इस्लाम में वालदैन के बाद जो पेरेंट का दर्जा रखते हैं वो उस्ताद को दिया गया है। उस्ताद नहीं रहा, कदर नहीं रही, वो अदब नहीं रहा। दोस्त अब कन्वर्ट हो चुके, एवरीवन इज नॉट इज नॉट इज परफेक्ट। जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें स्लोगन एक बोला जाता है, माओ नहीं किया। उस्ताद दुश्मन नहीं, इस पूरे पाकिस्तान की यूथ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा सारी दुनिया में जो भी करना है करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें, लेकिन अपने उस्तादा की इज्जत करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात पे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर रमीज़ राजा, प्रोग्राम हमारे हीरोज़ में। जी नाज़रीन, आज के जो हमारे हीरो हैं उनका नाम है सैयद फरहान अली, सीईओ हैं एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के, और साथ के साथ ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आज इनसे बात करेंगे टीचर्स की रिस्पेक्ट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फरहान? वालेकुम सलाम सर, इट्स रियली एन ऑनर कि आपने इनवाइट किया और इतना खूबसूरत तारफ दिया, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। माशाल्लाह आप एक यंग टैलेंट है पाकिस्तान का, और माशाल्लाह जिस तरह आप यूथ के लिए इंस्पिरेशन बनते जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही कामयाबी दे और इसी तरह ही आप जोश व जज्बे के साथ मूव फॉरवर्ड रहें। और आज बात करते हैं टीचर्स की रिस्पेक्ट के हवाले से। नाज़रीन आपको पता है कि दुनिया में जो टॉप रैंकिंग कंट्रीज़ हैं उसमें दुनिया में सबसे नंबर वन पे चाइना और मलाइशिया है, जहाँ पे टीचर की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया 8वें नंबर पे है उस रैंक में, और पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान उस रैंक में कहीं नज़र नहीं आता। पाकिस्तान में टीचर की रिस्पेक्ट का कोई ख़ास वो नहीं नज़र आ रहा, और जबकि इस्लाम टीचर की रिस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। इस हवाले से क्या कहेंगे सर? मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपने आज उस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जो वक्त की ज़रूरत है, बिल्कुल इस दौर की ज़रूरत है, और इस दौर के तकाजे यही कहते हैं कि हम अपने उस्तादों की इस वक्त कदर करना शुरू कर दें। हमारा एक दौर था, हमारा एक वक्त था कि जब हमारे जो असाज़ा थे, हमारे जो मुर्शिद थे, उस्ताद थे, बिल्कुल उनकी बड़ी कदरें थी, बड़ी इज्जत थी। लोग जो है पता लगता था किसी इलाके में कोई उस्ताद आया तो एक बड़ी हुजूम जो है उनकी कदमों पे हाथ लगाते थे बाकायदा, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे था। अब जो है आज का जो सिचुएशन है जिसमें बच्चा जो है अपनी वालदा को मदर और मॉम के कहकर बुलाता है, और जो वालिद को पापा 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 जो है वो हम सुनने को देखते हैं, और टीचर जो है वो एक पे करने वाला, एक तनख्वाह लेने वाला, और टीचर ही रह गया पीछे, टीचर रह गया, उस्ताद नहीं रहा, कदर नहीं रही, वो कंसेप्ट नहीं रहे, वो फीलिंग्स नहीं रही, वो अदब नहीं रहा। और माजरत के साथ हम उस पर भी बात थोड़ा सा करेंगे कि टीचर उस्ताद कौन है। हमारी बदकिस्मती है कि कुछ बाज़ूकात ऐसे कुछ केस ऐसे आ जाते हैं जो उस्ताद नहीं होते, उस्ताद नहीं, लेकिन जो उस्ताद है, आप ये कहना चाहते हैं जो उस्ताद की डेफिनेशन पे पूरा उतरता, पूरा उतरता है। अच्छा, इस्लाम में आपको एक बहुत ही अहम बात बताता चलूँ कि इस्लाम में वालदैन के बाद जो पेरेंट का दर्जा रखते हैं वो उस्ताद को दिया गया है। अब उस्ताद की इस्लाम में कितनी अहमियत है, लेकिन ये बात इनकी बहुत अच्छी है कि उस्ताद की जो डेफिनेशन है उस पर भी सारे लोग नहीं उतरते, नहीं उतरते। सर देखिए, हम करके जब नहीं दिखाएंगे ना तो असर नहीं होगा, बिल्कुल। हम जब अपने उस्ताद की जब कदर करेंगे, खुद मैं किसी को कहूँ कि जी उस्तादों की इज्जत करें, उस्तादों का ख्याल रखें, उस्तादों की कदर करें, उस्ताद कौन है, उसकी वैल्यू क्या है, इस दुनिया में उसका कदर मकाम क्या है, मैं हम जितना कहेंगे, हम जितना उनको दिखाएंगे, ये दौर अब कन्वर्ट हो चुका है जो मैंने समझा है। हमारे बच्चे चाहे वो जिस एरिया से भी हैं, पाकिस्तान से हैं या पाकिस्तान से दूसरे ममालिक से हैं, मैं इस एक कंक्लूजन पर पहुँचाऊँ कि हम अब करके दिखाएँ। वो लोग जो चाहते हैं, वो लोग ये मानते हैं कि जी हम अपने उस्तादों की इज्जत जो है, उनका वक़ार, उनका मकाम और उनका रुतबा वही हो, तो हमें अब अपने उस्तादों की कदर करके दिखानी। वो कैसे? अब मैं मेंटेलिटी से भी बात करेंगे कि क्या आजकल के जो बच्चे हैं वो किस क्या सोच रहे, उनकी कंपैरिजन क्या है, उस्तादों के साथ कैसा सलूक होना चाहिए, और वो कामयाब क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे। तो सबसे पहले बात कि हमारा जो एक कल्चर बन चुका है कि जी मॉडर्न बड़ा ज़माना आ चुका है, बड़े लोग मॉडर्न, बिल्कुल बड़ा अपने आप को फैशन और इंग्लिश बोलकर खुद को बढ़ा करके
उस्ताद को कम करने की और उसमें थोड़े से फाड़ निकालने की कोशिश की थी। एवरीवन इज नॉट इज नॉट इज परफेक्ट, मैं नहीं हूँ, कोई भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे हजारों खामियां हैं। हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई शख्सियत ऐसी नहीं, कोई शख्सियत भी जिसमें जो है वो कोई ना कोई खामी जरूर मिलती है, बिल्कुल इंसान जो है ना खतात का पुतला है। अगर आप देखें कि एक मुहावरा है कि बादब बामबाब, और उस्ताद की जिस इंसान ने भी कदर की है, उसका एहतराम किया है, उसको मैंने लाइफ में बहुत आगे तरक्की मतलब पाते हुए देखा है। तो आप ये देखिए कि हमारे माशरे में इस वक्त जो सिचुएशन है, सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही जो जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें स्लोगन एक बोला जाता है, मार नहीं प्यार। इसने कितना मतलब इफेक्ट डाला है। हाय सर क्या बात कर दी आपने, ये वो चीज़ थी कि जिसका ताल्लुक हमारे स्टूडेंट के साथ बड़ा कमयाब था लेकिन तोड़ दिया गया। अब देखें ये बड़ी अच्छी चीज़ है, हम इस पर ये नहीं कह रहे कि चीज़ को नहीं होना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं ये ज़रा काश अगर हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं वो अगर थोड़ा सा बैठते दोबारा इस पर डिस्कशन करते तो आज की जो सिचुएशन हमें नज़र आती है वो ऐसी ना होती। हमारे मार नहीं प्यार, इससे क्या हुआ है, पहले अच्छा देखें सबसे पहली बात ये सर समझें कि उस्ताद दुश्मन नहीं होता, दुश्मन नहीं होता, उस्ताद आपका सच्चा और जो आपकी जो मंजिल है, जो आपका विजन है, जो आपका मिशन है, जो आपकी वो तकदीर है, और वो उस्ताद देख लेता है कि इस बच्चे में ये टैलेंट है, ये पावर है, ये स्ट्रेंथ है, वो उधर लेके जाना चाहता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो हैं मार नहीं प्यार की वजह से, क्योंकि हम लोग हमारे अंदर बड़ी कमियां हैं, बड़ी मानने वाली बात है, हमारी जो यूथ है उसको डायरेक्शन की ज़रूरत है, अगर उसको डायरेक्शन नहीं मिलेंगी थोड़ा गुस्सा आ जाएगा। टीचर का हक बनता है जब प्यार है, जब पढ़ाता है, जब टाइम देता है, अगर वो थोड़ा सा गुस्सा कर लेता है किसके लिए, भलाई के लिए। सर देखिए ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, प्यार कहते हैं कि पी नसीरुद्दीन नसीर साहब का बड़ा प्यारा कलाम है, अजीज़ इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अजीज़ इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना ही ना चाहो कि दम निकल जाए। तो ये जो प्यार ज़्यादा हो गया, तो अब हमें हमारे जो इस वक्त की जो एक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम अपने उस्तादा की वो जो उनका रिलेशन था स्टूडेंट के साथ वो स्ट्रॉन्ग करें, और जो हमारे उस्तादा का जो वकार है हम वो करके देखें, करके कैसे दिखाएंगे। अगर मेरा उस्ताद आ जाता है, अब देखें एक कंसेप्ट जो मैंने अभी मैंने बात की कि मेंटेलिटी की बात करेंगे, मेंटेलिटी क्या है जी, वो आला माफ कर खुशामद कर रहा है, वो ये कर रहा, भाई उस्ताद है करना है करो, हक बनता है भाई, वो तेरा मुर्शिद है, तेरा उस्ताद है, तेरा पीर है, तेरा तुझे जीरो से हीरो बनाने वाला है, तेरे अंदर कुछ भी नहीं था, तू खाली प्याला था, तेरे अंदर कुछ भरने वाला है, तो तू तो उसके कदमों पर हाथ रख है। लेकिन बदकिस्मती के साथ माशरा ये बना दिया गया है, सिस्टम ये बना दिया गया कि उस्ताद जो है अगर उसके लिए वो खड़ा हो जाता है, उसके लिए वो हाथ मान लेता है, पाँव पे उनके हाथ चूमते हैं, पाँव पे हाथ लगाता है, उस रिस्पेक्ट में मोहब्बत में, इसके ये पैमाने हैं सर, बिल्कुल ये पैमाने हैं, हाथ बाप के लिए भी ऐसी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लोग हाथ चूमते हैं, हाथ चूमते हैं, माथे चूमते हैं, बिल्कुल पाँव पे हाथ लगाते हैं, माँ बाप के लिए भी वैसे ही। और आप ये देखिए कि दुनिया में उस्ताद और वालदैन वाहिद ऐसी चीज है जो चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट या हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो जाए, कामयाब, और कोई नहीं चाहता, ये यही तो बात है। अब ये अल्लाह पाक की तरफ से इतना प्यारा गिफ्ट है सर, मैं तो कहता हूँ अल्लाह पाक की बड़ी अनायात, एक तरफ माँ बाप और टीचर, एक तरफ ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल। अब ये ना वालिद है वो वालिद का प्यार है, वालदा है वो वालदा का प्यार है, उस्ताद माँ और वालदा दोनों का प्यार है, ठीक है, उसमें माँ वाली मोहब्बत भी है, बिल्कुल, उस्ताद वाली डांट डपट भी है, बिल्कुल, डायरेक्शंस है, मोहब्बत भी, मकसद एक ही है कि बच्चा कामयाब हो, उसका फायदा हो, उसका फायदा हो, तो मकसद वही होता है पेरेंट्स वाला। सर मैं इस अगर हम अपने उस्तादा की उस तरह खड़े नहीं होंगे, उस तरह हाथ नहीं जुमेंगे, अगर देखें ये ज़र्फ़ है, मैं ये नहीं कह रहा सारे ऐसे करो, मैं ये नहीं कह रहा सारे ऐसे ही करो, ये अपनी मोहब्बत और तकाजे और उसकी एक शिद्दत है, इंटेंसिटी, बिल्कुल, ठीक है। सूरज में एक बड़ी जबरदस्त पावर है एनर्जी की, कितनी खूबसूरत है दुनिया को वो जो है ना वो रोशन कर देता है, तो एक तरफ जो है हमारे पास अपनी टॉर्च लाइट है, वो एक लिमिटेड सोर्स है, थोड़ा सा इलाके को रोशन करता है। आप सूरज बनना चाहते हैं आप सूरज बने, आप लाइट बनना चाहते हैं आप लाइट बने, खुदारा कुछ बने, और अपने उस्ताज़ा की वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट, वो कदर जो इस वक्त की और इस मुल्क को ज़रूरत है। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे मुल्क में कितनी ज़्यादा जो है वो बदनज़मी का शिकार है हम, डायरेक्शंस नहीं है,
बच्चे परेशान हैं, डिप्रेशन हैं, फ्रस्ट्रेशन हैं, गोल सेटिंग नहीं है, सिलेक्शन नहीं है, ये सब उस्तादों से दूरी की वजह है। मैंने मेरी लाइफ में मेरे केजी से लेके मेरे अब जो मैं जीसी यूनिवर्सिटी में हूँ, मेरे सुपरवाइज़र की शक्ल में, मेरे डायरेक्टर की शक्ल में, वाइस चांसलर साहब की शक्ल में, मुझे इतने शफीक उस्ताद मिले हैं। मेरे हाई स्कूल में मेरे जो टीचर्स थे, मेरे एक टीचर, मेरे केजी के टीचर्स, मेरे यूनिवर्सिटी के टीचर, बीजेडीयू की यूनिवर्सिटी में मैंने बीएस किया, तो वहाँ के एक एक टीचर ने मुझे मेरी ज़िंदगी को संवारा है। मैं अगर इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ मुखातिब हूँ, सर के साथ गपशप लगा रहा हूँ, ये उन दुआओं का नतीजा है। क्योंकि देखें, मैं खुद इंसान जो है, जितनी भी हमारी मखलूकात है, हम जर्रे के भी बराबर नहीं है। बिल्कुल, हमारे अंदर इलम क्या, हम आदि क्या होगा, हमारी क्या लिमिट है और हमारी क्या शान है कि हम एक दो लफ्ज़ बोलें। ये अगर हम कुछ करते हैं दुनिया में, अगर आप जितनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है, अगर उन्होंने कुछ करके दिखाया है तो उनके पीछे एक सोर्स था। सोर्स, और सोर्स कौन था? वो सोर्स उनके वालदैन थे और वो उनके उस्ताद थे। अगर हम अपने उस्तादा का शुक्रगुजार नहीं होंगे, हम अपने उस्तादा की इज्जत नहीं करेंगे, प्याला खाली रहेगा, प्याला भर भी जाएगा, फिर भी खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा। क्यों? इज्जत से खाली है, रिस्पेक्ट से खाली है, कदर से खाली है, फीलिंग से खाली है। तो मेरी इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सारे जो सुनने वाले हैं, जो सुनेंगे, और इस पूरे पाकिस्तान की यूथ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा सारी दुनिया में जो भी करना है करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें, लेकिन अपने उस्तादा की इज्जत करें। ये आपके उस्ताद ही हैं, आपके टीचर्स ही हैं, ठीक है, जो आपको किसी भी मकाम पर पहुंचा सकते हैं। उनकी दुआएं आपको पहुंचा सकती हैं, उनका इल्म आपको पहुंचा सकता है, उनकी डायरेक्शंस आपको पहुंचा सकती हैं, ठीक है। अगर आप नहीं मानेंगे इस चीज़ को, तो यकीन करें उस्ताद के लिए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो दर्द लेके जाता है कि यार मेरा बच्चा अगर किसी दूसरी डायरेक्शन में चला गया, वो जो तकलीफ़ रह जाती, तजलियात वाला शख्स था, दुनिया को हिलाने वाला शख्स था, यूनिवर्सिटियों में एंट्री मारने वाला शख्स था, लेकिन वो आ रहा है डर कर, छुप कर, हार कर। दर्द होते हैं, टीचर को दर्द होता है। तो रिक्वेस्ट की जाती है आप सबसे, अपने उस्तादा की, अपने टीचर्स की, अपने मुर्शिदों की रिस्पेक्ट करें, हाथों को चूमें, पाँव पर हाथ रखें, ठीक है, जो भी आपकी जितनी आपकी शिद्दत है, मोहब्बत है, वो अपने उस्तादों से करें। आजकल की यूथ को इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है इस चीज़ की, क्योंकि देखें अब वो रिस्पेक्ट का लेवल नहीं रहा। अच्छा, कैटेगराइज करते हैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल्स लेवल को, कहाँ पे ज्यादा रिस्पेक्ट है? यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम होता है, और वो एक मीम्स भी चला था कि उस्ताद की अगर रिस्पेक्ट आज के दौर में देखनी है तो सीआर साहब से देखें कि वो किस तरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर मतलब ये आप अगर कैटेगराइज करें कि रिस्पेक्ट की वजूहत भी डिफरेंट अब हो गई है, कि एक गर्ज आ जाती है, खुद गर्जी आ जाती है कि मतलब अगर आपको मार्क्स चाहिए यूनिवर्सिटी में और आपको मजबूरन रिस्पेक्ट करनी पड़ जाती है, आप वैसे रिस्पेक्ट नहीं करते। स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये हाल है कि मार नहीं प्यार की वजह से बहुत सारे बच्चे, क्योंकि वो उनका लड़कपन होता है जब कॉलेज लाइफ में आते हैं, टीचर्स के अगेंस्ट पर्चे करवा चुके हैं। आप ये देखें कि ये रिस्पेक्ट का लेवल है, तो गवर्नमेंट को इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। दूसरी कैटेगरी हम फरहान साहब से ये पूछते हैं कि टीचर की डेफिनेशन, उस्ताद की डेफिनेशन पे कौन पूरा होता है? सर देखें, उस्ताद, पहले हम ये डेफिनेशन पे आ जाते हैं, फिर उसके बाकी उस पॉइंट्स पर आएंगे, ताकि समझ आ जाए कि उस्ताद कौन होता है। उस्ताद जो है वो आपकी रूह को आपके उन तजलियात से मिलाता है, आपके सुकून को, आपके इलम को, जो कि खाली प्याला होता है उसको भर देता है, उस जाम से, उस इश्क से, उस उन रुतबों से, उन वजदों से, ठीक है। अब ये उस प्यासे की शिद्दत पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर एक आप माशाल्लाह, जैसे मेरे बड़े रिस्पेक्ट, मेरे बड़े बड़े भाई हैं, मैंने माशाल्लाह इनके बड़ी अचीवमेंट्स देखी हैं। अब अगर जब ये क्लास में या मैं कभी पढ़ा रहा होता हूँ, तो वहाँ पर स्ट्रेंथ जो है बड़ी तादाद में होती है, उनमें से एक बच्चा फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, पूरे बच्चे नहीं आते। क्यों ऐसा होता है? शिद्दत, इंटेंसिटी ऑफ गेनिंग द थिंग्स, वो रिस्पेक्ट, वो कदर, और वो फिर इंटेंसिटी। सकरात से किसी ने पूछा, सर आपके अंदर इल्म की जो तड़प है वो क्यों ऐसी है, इतना तड़प आपके अंदर कैसी है? तो उन्होंने कहा कि आ जाओ मेरे साथ एक दिन, मैं एक जगह पर बुलाया, उस जगह पर आ जाओ, वहाँ पे आपको मैं बता दूंगा कि जी मेरे अंदर इलम कहाँ से, तड़प कैसे है, आपके अंदर भी आ जाएगी। उन्होंने कहा ठीक हो गया। सकरात के साथ जी वो लड़का चल गया,
चले गए और वो एक जो है ना पानी जो जहाँ पर स्विमिंग वगैरह हम जैसे कहते हैं वहाँ पर स्विमिंग करने के लिए सकरात साहब पहुँच गया वहाँ पर। तो वो जो शख्स था सकरात ने उनको बुलाया कि इधर मेरे पास आओ। वो शख्स बड़ा हैरान कि मैं पूछने तो शिद्दत के बारे में आया हूँ, मैं पूछने तो इल्म के बारे में आया हूँ कि जी मेरा जो इल्म है वो कैसे मेरी उसकी अटैचमेंट हो सकती है, लेकिन सकरात मुझे वहाँ बुला रहे हैं। तो वो क्या, मैं इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ कि शिद्दत क्यों ज़रूरी है, ये स्टडी के दौरान शिद्दत क्यों ज़रूरी है। तो वो लड़का जो है सकरात की तरफ गया, पहुँचा तो सकरात ने क्या कर दिया, हैरान कर दिया। उन्होंने उसको जो है डुबकी देनी शुरू कर दी, जिसे हम पंजाबी ज़बान में कहते हैं। और वो जब पानी से निकलने की कोशिश कर रहा था, जब उसका सांस जो है वो दम तोड़ने लगा तो वो जो है बड़ी एक शिद्दत के साथ बाहर निकला और शिद्दत से निकलकर अपने जान बचाकर भागा। तो उन्होंने कहा सर ये क्या माजरा है, हम तो आपसे इल्म लेने आए हैं, आप हमें हमारी ज़िंदगी लेने लग गए, तो आपने ऐसा नहीं करना किसी को बताने के लिए। ये सिर्फ एक उनकी ज़िंदगी से एक एग्जांपल है। तो उन्होंने बताया कि बेटा जितनी आपको शिद्दत थी ना, कि आपका जब सांस रुक रहा था और आपको सांस की ज़रूरत थी, तो आपने मेरे हाथ, पहले तो पावर नहीं थी आपके अंदर, अचानक पावर आ गई और अब मेरे हाथ को अपने एक तरफ रख कर बाहर निकल गए, इतनी तड़प है मुझे इलम हासिल करने। तो जब इतनी तड़प होगी हमारे स्टूडेंट्स में इलम हासिल करने की, पहली चीज़, दूसरा वो कदर होगी, वो इज्जत होगी, वो रिस्पेक्ट होगी, तो वो कमाल तक पहुंचेंगे। टीचर जो है, हमारे टीचर जो है वो अब मैं अपने सारे टीचर से, हमारी टीचर, हमारी बिलादरी से मैं बात करूंगा, वो जो टीचर है वो उसका हक है कि वो अपने सारे स्टूडेंट्स को, जो कि एक टीचर होना चाहिए, अपने बेटों और बेटियों की तरह देखे, क्योंकि हमारा रिलेशन ही ऐसा है, हमारा तल्लक ही ऐसा है, हमारा हम रूहानी बाप है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं कि रूहानी बाप की अपनी स्टूडेंट से शादी हो जाती है। तो वो थोड़े उसको हम थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो, लेकिन जब तक वो सच्चा प्यार आ जाता है वो एक अलग केस हो जाता है। वो फिर ये कहते हैं कि इश्क जो करने वाला है ये तो फिर अलग प्याला है, लेकिन जब तक वो टीचर होता है, जब तक टीचर तब तक वो उसी लिमिट उसी तरह उसको, बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल ठीक किया। बड़ी जबरदस्त आपने टॉपिक छेड़ा, मोहब्बत जो है उसकी कोई शेप नहीं है, उसकी कोई शक्ल नहीं है, लेकिन जो एक हमारा प्रोफेशन है, जो हमारा जिस अल्लाह ताला ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इस काम को पूरा करने की, उसमें जो है जो टीचर का किरदार है वो कैसा होना चाहिए कि वो अपने आप को देखे उनमें, वो देखे कि जी मैं, मुझे ये जो मसले आए थे, मुझे जो मुश्किलात आई थी, मुझे जो ट्रबल्स आई थी, मैं जब अकेला था, मुझे जब चीज़ें याद नहीं होती थी, मेरे जब अप्स एंड डाउन्स आए थे, तो मैं कैसे फील करता था। तो वो वक्त आ गया है जी, अगर आप टीचर हैं तो अपने उन बच्चों को वो वाली मुश्किलात से बचाएं, क्योंकि जो आपको पेश आए। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमारे, अगर हमें नसीब हुआ है पढ़ाना, ठीक है, कोई भी काम मुकम्मल नहीं है, तो ये तो बात ही नहीं है ना कि कोई मुकम्मल है। हम तो बड़ी कोशिश करके जाते हैं, लेक्चर्स को रेडी करके जाते हैं, जब लेक्चर्स हम दे रहे हो, कोशिश ये करें कि आप उनके अंदर खुद को देखें और उन मंजिलों की तरफ लेके जाने की कोशिश करें जहां आप पहुंचाना चाहते हैं उनको। तो ये बेसिकली एक टीचर होता है। और देखें, अगर आपकी क्लास में, क्योंकि सब बराबर नहीं होते, हमें पता है कुछ फर्स्ट पोजीशन वाले होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, मुख्तलिफ लेवल के बच्चे बैठे होते हैं और कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, मतलब कि लास्ट बेंचर्स होते हैं वो, लेकिन आपको सबको साथ लेके चलना, सबको साथ। अब देखें, बिल्कुल वो एजुकेशन में कमजोर है, लेकिन उनकी पावर स्किल्स आप देखिए, उनके अंदर क्या है, उस्ताद है उन स्किल्स को एम्पावर करना, ये नहीं कि आपने सिर्फ जो है एजुकेशन की तरफ ही स्पीड से भाई नंबर ही फुल देने, नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं। उस्ताद क्या है, उस्ताद है उस्ताद जी, उसने तमाम स्टूडेंट्स को देखकर उसकी जो स्किल्स हैं, उसके जो पावर्स हैं, उसको इन्हेंस करना है। अगर एक बंदा, एक लड़का कम्युनिकेशन का उसका बेस्ट स्किल है, ठीक है, तो उस्ताद का ये फर्ज बनता है कि उसकी उन स्किल्स को भी वो एम्पावर करे। अगर एक लड़का, उसके अंदर अदब की कमी है, उस्ताद का ये फ़र्ज़ है कि उसके अंदर वो अदब इंस्टॉल करे, ठीक है। अगर एक बच्चों में हम देखते हैं कि जी बड़ों की इज्जत नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, छोटों का ख्याल नहीं कर रहे, तो ये उस्ताद का फ़र्ज़ है कि जी उनमें ये वाली अपडेट लेके आए। हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, वो कहते हैं अपडेट्स, उस्ताद वो उस्ताद अपडेट करे। अच्छा, उस्ताद को एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए सर, बिल्कुल। उस्ताद को एक अच्छा बाइखलाक होना चाहिए ताकि बच्चों में वो इखलाक डेवलप कर सके,
ये सारी चीजें उस्ताद में होनी चाहिए। एक अच्छा टीचर एक अच्छा एक्टर होना चाहिए बच्चों को बहुत सारी चीजें कन्वे करने के लिए। एक अच्छा टीचर मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ बच्चों की तरबियत और जिंदगी कैसे गुजारनी है, असल मकसद क्या है जिंदगी का, उस तरफ जरूर बच्चों के लेके आना चाहिए। उस्ताद भी ये सारे गट्स होने चाहिए। और एक बेहतरीन किसी बंदे ने ये एक बात कही थी और वो बात दिल को जाके लगी थी। उन्होंने कहा कि अगर आपको ये लगता है कि आप एक अच्छे उस्ताद नहीं बन सकते तो खुदारा टीचिंग फील्ड में ना आए, आप किसी और तरीके से अपनी अर्निंग कर लें। बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर खराब ना करें टीचिंग फील्ड में ना, और बहुत सारी फील्ड है जिससे आप अर्निंग कर सर। बिल्कुल, ये तो गोल्डन लाइन है। देखिए काम करने है ना, पैसा कमाने है हजारों तरीके हैं, ये तो एक खिदमत है, पैसे कमाने के साथ एक खिदमत है। और इस खिदमत के साथ अगर आप ये देखने के जैसे बीज बो दिए जाते हैं ना, तो जैसे बीज होंगे वैसी फसल होगी आने वाला। पाकिस्तान इस पर डिपेंड करता है, हम जो समझाएंगे अगर हमारे बच्चों में हम जो है अदब इखलाक वो रवायात जो हमारी हमारी पहचान है बिल्कुल, वो हम अगर उन बच्चों में नहीं दे रहे तो हमारा जो माशरा है ना वो खोखला हो जाएगा। कंपैरिजंस हमेशा मारते हैं, हमारे कंपैरिजन बाहर मुल्क क्या हो रहा है जी, दूसरे ममालिक में क्या हो रहा है जी। लेकिन जब हम कंपेयर नहीं करते खुद रियल डायरेक्शन रियल ओरिजिनल ओरिजिनलिटी देखते हैं तो कामयाब माशरा होता है। बिल्कुल, बहरहाल आपको चाहिए कि अपने उस्तादा की कदर करें, रिस्पेक्ट करें, और आप यकीन करें कि अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे आप अपने आप को कामयाब देखेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को भी ज़िंदगी में लाइफ में बहुत ऊपर जाते हुए देखा है, इवन कि उनके बहुत कम मार्क्स थे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जो टॉपर थे लाइफ में उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा है। वजह अगर इसके बिहाइंड देखें तो पेरेंट्स और उस्ताद की रिस्पेक्ट और कदर, हमेशा ये दो हस्तियाँ हैं, एक पेरेंट्स और दूसरा उस्ताद। रूहानी जो है ना आपके पेरेंट्स की तरह होते हैं, जो उस्ताद होता है ये आपको लाइफ में पीक पे ले जाते हैं अगर आप इनकी कदर करते हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सैयद फरहान अली का, बहुत अच्छा लगा आपके साथ गपशप करके। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन आपसे भी मैं चाहता हूँ इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।